वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, वैसे रेट वगैरह भी पूछा जाता है, मतलब कि ऑर्डर वगैरह पूछते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर की ही बात करेंगे कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया, एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, दूसरा दोबारा किया गया, फिर तीसरा किया गया, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन Br2 की ली गई है 0.10, 0.10 और थर्ड वाले में 0.30, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो NO की जो रिएक्शन में NO है उसी कंसंट्रेशन है 0.10, 0.20, 0.20। अब उसका इनिशियल रेट भी दे रखा है, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट वन का कंसंट्रेशन ये दे रखा है, Br2 का NO का ये दिया है, और इसका रेट दिया गया 1.3 × 10⁶। वैसे सेकंड का रेट दिया गया है और थर्ड का रेट दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन में ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑलरेडी यू नो दैट। हम यहाँ पर दो तरीका डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो तरीका कौन से, एक अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, जिससे जल्दी से आंसर आ जाएगा, एक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं, ठीक है, दोनों तरीके से समझेंगे। देखो पहले हम लोग फॉर्मूले से लेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिव तरीका आसान से तरीका देखेंगे कि कैसे देख के भी बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। तो देखो तरीका क्या है करने का, सॉल्व करने का, जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है Br2 का तीनों एक्सपेरिमेंट में, इनिशियल कंसंट्रेशन NO का दे रखा गया तीनों एक्सपेरिमेंट इसमें, और इनिशियल रेट दे रखा गया, इनका एक रिलेशन फॉर्म समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऑर्डर को हम लोग मान लेते हैं N से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, N से डिनोट करेंगे। इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका, देखो एक मिनट लिख देते हैं, C1 / C2, इसका कंसंट्रेशन मान इसका ऑर्डर लिख देते हैं N1, और यहाँ पे लिख देते हैं एक इसका C1 / C2, ठीक है। अब मान लो इसका हमने लिख दिया, ठीक है, ये किसके लिए हमने बात कर दी, Br2 के लिए बात कर दी, Br2 का कंसंट्रेशन। अब NO की बात करें, मतलब C1 / C2, और ये इसके लिए हो जाएगा ऑर्डर N2। इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये जो होता है इनिशियल रेट यहाँ पे लिख दे, ठीक है, मतलब R1 / R2 हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखना समझना करने का तरीका कैसे होगा। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को इस तरीके से लिख दिया, एक बार इसके लिए ये लिखा गया हमने, इसके लिए लिखा गया, ठीक है, इसके लिए क्या है N1 लिखा हमने, और इसके लिए हमने क्या लिख दिया N2 लिख दिया। अब समझते कैसे करना है, अब मैंने पहला और दूसरा लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे 0.10, क्योंकि C1 इसका Br2 कितना है 0.10, ये हमारा किसके लिए है Br2 के लिए है, और ये NO के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा अपॉन C2 कितना है Br2 के लिए 0.10 है, यहाँ पावर में क्या लगा देंगे N1 लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा Br2 के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.10 अपॉन 0.20, और ये किसके लिए हमने NO के लिए लिखा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N2। इक्वल्स क्या हो जाएगा R1 / R2, R1 कितना हमारे पास 1.3 × 10⁻⁶, और R2 कितना है जरा देखो 5.2 × 10⁻⁶, हमने इसको भी ऐसे लिख दिया। अब करना कुछ नहीं, सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके देखो ये तो कट जाएगा, ये हट गया हमारे पास, ठीक है, इसके कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बचा हमारे पास ये और ये देखो कैसे कटेगा, अगर हम बात करें 1.3 और नीचे क्या है 5.2 है, तो 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1/4 बचेगा। इसको सॉल्व करो जरा, 0 से 0 हट गया, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, बचे क्या 1/2, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे आंसर देखो 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया N2 आ गया जो कि ऑर्डर है इसका, इक्वल्स टू 1/4। तो देखो ऐसा हम क्या यहाँ पावर में रखें जिससे यहाँ पे 4 आ जाए, ठीक है, अगर हम N2 की वैल्यू को 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मतलब N2 इक्वल्स कितना आ गया, N2 इक्वल्स आ गया 2 आ गया, मीन्स अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि जो N2 मतलब N2 ये था ना NO का, तो यहाँ पे हम लिख देते साइड में जो NO का ऑर्डर आया वो कितना आया है, वो निकल के आया है 2, ठीक है। अब चलो अब मुझे निकालना है Br2 का कंसेप्ट, Br2 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब Br2 का ऑर्डर निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड को लेकर के रिलेट करेंगे, ठीक है, देखो कैसे रिलेट करेंगे। एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका लिखते हैं कंसंट्रेशन C2 / C3, ठीक है, क्योंकि सेकंड एक्सपेरिमेंट थर्ड है, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे इसके लिए हमने क्या लिखा है N1 लिखा है, फिर से अब इसका भी दूसरा वाला ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 / C3, ये किसके लिए क्या हो जाएगा N2 के लिए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा R2 / R3 हो जाएगा, यहाँ पे अलग से हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करें C2 / C3 क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग 0.10 / 0.30, यहाँ पे पावर हो जाएगा N1 का, और C2 / C3 कितना है 0.20 है, और यहाँ पर कितना है 0.20 है, यहाँ पे हो जाएगा N2 इक्वल्स टू R2 / R3 कर देते हैं, ठीक है, ये कितना है 5.2 × 10⁻⁶, और नीचे कितना है 1.56 × 10⁵, 5
ध्यान देना यहाँ पे जरा, -5 यहाँ पे -6 है, ठीक है। देखो आसान तरीका है सॉल्व करने का क्या, इसे यहाँ पे लिखा गया है -5, चाहे इसको -6 कर लो, चाहे इसको सॉल्व करने बाद इसको -5 कर लो, ठीक है। अगर हम इसको मान लो -6 करते हैं तो मतलब एक और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1/3 बचेगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे जरा देखना, ये तो कट जाएगा पूरी तरीके से, हट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पर भी बच रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये कटेगा नहीं, 0/0 कटेगा, ठीक है। 1/3 यहाँ पे भी बचेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/3, और यहाँ पे क्या बचा, n1 है, देखो n1 है, ये तो हट गया पूरी तरीके से, कट गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो क्या इसकी वैल्यू रखिए जिससे 1/3 के बराबर हो जाएगा, n1 को हमको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। n1 हमारा क्या हो जाएगा, Br2, मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिंपल यही है, कंसंट्रेशन अपॉन 1 कंसंट्रेशन ऑफ 2, इसका ऑर्डर लिखो, दूसरे में 1 का कंसंट्रेशन, सेकंड कंसंट्रेशन उसका ऑर्डर लिखो, इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 कर देना, ठीक है। हमने दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई किया और NO का ऑर्डर निकाला 2 आ गया, Br2 का हमने ऑर्डर निकाला 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था इसका आसान सा तरीका भी बताएंगे जिससे हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक। उसके पहले कुछ समझना होगा, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर देखिए हम लोग का आंसर ही आएगा बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए, ठीक है। चलो समझते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना, ऐसे ऐसे अगर सॉल्व करना है आप लोग को अल्टरनेट तरीके से, दूसरे तरीके से जो हम बताना चाह रहे हैं, उसके देखो कैसे क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। मान लो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या खास बात होती है कि अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाने या कम करने पर रेट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में समझ लेते क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम लोग कंसंट्रेशन को 1 times इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी 1 times इंक्रीज कर रही है, कंसंट्रेशन को 5 times इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी 5 times, मतलब जैसे हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 1 times वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को 2 times इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन 4 times हो जाएगा, 3 times कर रहे हैं तो 9 times हो जाएगा। इस तरीके से चेंज अगर आ रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर समझते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम लोग बदल रहे हैं तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लो हमने डबल कर दिया तो भी रेट फिक्स है, ट्रिपल कर दिया तो भी रेट उसका फिक्स है, वही होगा फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट एक तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर इसको हम लोग 1 times बढ़ा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 times इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी हमारा 1 time होगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। अगर हम 2 times इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी 2 times इंक्रीज होगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 times किया तो ये 4 times हो जाएगा, 3 times किया ये 9 times हो जाएगा, 4 times किया तो ये 16 times हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये चलता है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो हमने कहा था, इसमें आसानी रहेगी, ठीक है। अब जरा देखना, मान लो मुझे ऑर्डर निकालना है, दोनों का ऑर्डर निकालना है, जरा देखना पहले और दूसरे की अगर हम लोग बात करें, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है। अब देखना दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो मतलब जो भी हम लोग इसमें चेंज करेंगे वो इसके कारण चेंज आ रहा होगा। फिर समझना यहाँ पे, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ पे फिर हो गया 2, मतलब ये कितना टाइम्स हो गया, 2 times हो गया, और रेट ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम्स हो रही है, 4 times हो रही है, क्योंकि अगर 1.3 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5.2 आएगा। इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये दोनों बराबर है पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट में। अगर हम बात करें NO की तो यहां से हम लोग पहले दूसरे में गए तो 2 times हो रहा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रही है, 4 times हो रही है। जब ये 2 times हो रहा है तो ये 4 times हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों ही बराबर है। जब ये 2 times हो रहा है तो ये 4 times हो रहा है, ये 2 times ये 4 times कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि NO का ऑर्डर कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर। देखो आ भी रहा था हमारा सेकंड ऑर्डर, ऐसे देखो हमने तुरंत इसको सॉल्व कर लिया। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं Br2 के लिए कैसे इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें Br2 की तो Br2 में क्या आ रहा है वो समझते हैं। अब देखो NO की बात करें, ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, मतलब इसका रेट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों बराबर है, इसको भूल जाओ अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 1 से 3 times, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, into 3 times, 1 था फिर कितने पे आ गए, 3 पे आ गए, मतलब 3 times जो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो ये देखो कितना बढ़ रहा है, ये भी हमने बताया था 3 times देखो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 5.2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15.6 आएगा, और यहाँ पावर हमने देख लिया कि हाँ भाई सही बात है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, इसको हमने 3 times इंक्रीज किया तो ये भी 3 times हो रहा है, तो मतलब ये कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना इनिशियल रेट बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे जितना टाइम, उतना टाइम्स रेट भी बढ़ेगा, तो 3 times किया ये भी 3 times किया, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां मैंने इसको टू टाइम्स किया था, कहां गया, एक मिनट, यहां ये देखो, इसको मैंने टू टाइम्स किया था तो ये फोर टाइम्स हो गया था, इसलिए हम इसको सेकंड ऑर्डर बोले थे। अब ये देखो थ्री टाइम्स किया तो ये भी थ्री टाइम्स हो गया, मतलब साथ में इसका कंसंप्शन बढ़ाया, जैसे हमने जिस रेट से उतने रेट से रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, उतने टाइम से। इस तरीके से हम लोग दोनों मेथड को लगा करके आंसर को ला सकते हैं, ठीक है। अब बस ये दिक्कत रहती है ना उसमें, अगर मान लो ये सेम रहता दोनों वैल्यू, ठीक है, इसकी दोनों वैल्यू इसकी सेम है तो डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं सॉर्ट वाला मेथड जो भी हमने बताया, वो टू और वन आ गया। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो आप लोग फॉर्मुला यूज कीजिए। कैसे फॉर्मुला यूज करें, कंसंट्रेशन C1 अपॉन C2, इसका ऑर्डर लिखो पावर ऊपर लिखो, C1 अपॉन C2 लिखो, फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दूसरे वाले का ऊपर लिखो, इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 कर करके हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन नीट के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे भी डाटा गिरा है, रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है और रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, एक्सपेरिमेंट भी दे रखे रहे हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या था, फिर से लिखते हैं C1 अपॉन C2, यहाँ पे लिख देंगे N1, देन C1 अपॉन C2, यहाँ पे लिख देंगे N2, देन यहाँ क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2। रिलेट करना है, स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को रिलेट करेंगे, इन दोनों को हमने लिखा 1 और 2, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को रिलेट करने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.20, यहाँ पे हो जाएगा 0.40, यहाँ पे हो जाएगा N1 और यहाँ पे आएगा 0.05, यहाँ पे आएगा 0.05 और यहाँ पे आ जाएगा N2, ठीक है। अब इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 ये है, R2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 × 10⁻³ है और ये कितना 1.2 × 10⁻² है, ठीक है। ये 2 से जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2, ठीक है। सॉल्व करने पर ये तो पूरा कट ही जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/2, तो 1/2 n^1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू क्या रखी जिससे 1/2 आ जाए, जाहिर सी बात है N1 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गई, NO2 की ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितनी हो गई, 1 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, मीन्स अब मुझे निकालना है F2 का क्या होगा, F2 का भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, C1 upon C2 n^1, देन C1 upon C2 n^2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 upon R2 आ जाएगा। अब देखो C1 upon C2 नहीं रखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम करते हैं C2 upon C3, क्योंकि सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिलेट करने वाले हैं, 3 और यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे जाएगा 3, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड को 0.40 और 0.80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे इसका दिया गया 0.05 और 0.10, 0.05 और ये कितना है 0.10, ये हो जाएगा N2 का इक्वल्स टू R1 upon R2, 12 × 4 = 48, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/4, किसी का आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात ये है, ये कटेगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे, अब हमने भी निकाला था N1 की वैल्यू कितनी, 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, N1 की जगह 1 रख देंगे, तो बचा क्या हमारे पास 1/2 की पावर क्या बची, 1 बची, यहाँ पे 1/2 की पावर N2 इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखी, जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू हम लोग N2 क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2 × 1/2 1/4 के इक्वल आ जाएगा, मतलब दोनों ही, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आसान तरीका है, बहुत समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू को सेम नहीं किया गया था, अलग अलग किया गया था, तो आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसे केस हम लोग N1 को हमने निकाल लिया है, N1 को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ये आ गया 1/2, N2 1/2 N2 नहीं पता था हमको, हम N2 को यहाँ से निकाल लेंगे, N2 आ जाएगा 1, तो 1/4 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से दोनों ही जो होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। आप लोग अपना दूसरा मेथड अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, देखिए क्या उससे करेक्ट आंसर आ बिल्कुल आएगा आप लोग अगर सही तरीके से करेंगे। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगली वीडियो में उसका भी सोल्यूशन दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।